ले ऐसा बने टूल्स फॉर स्कूल का, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉज, है ना? क्या कहते हैं अबूबकर आप? अच्छी चीज़ है बल्कि। अच्छा अबूबकर, एक कोई मॉडल जिसको आप कहेंगे बस इसको काम छोड़ देना चाहिए। एक मॉडल? हाँ, एक नाम लेना है आपने किसी का, चिढ़ होती हो जिसको देख के ही, और कि ये क्यों कर रही है काम। मैं खुद। अल्लाह, आप मॉडल हैं? मॉडल मॉडल ही होता है बस अब। यार अच्छा, इसी ड्रामा में किसी का नाम नहीं ले सकता। किसी का नाम नहीं, एक्ट्रेस चलो, या एक हीरो लड़का जिसको स्टैंड नहीं कर सकते बिल्कुल। आई थिंक अब इतना ज्यादा मुझे नहीं है किसी से नफरत। नहीं, नफरत नहीं। हाँ, लाइक हर कोई अपने हिसाब से सही काम कर रहा है मेरे ख्याल में, और जितने जिसमें होती है क्वालिटी उतना उसको काम मिलता है। ये तो है, सही बात है, मतलब किसी तरह से पकड़े। अच्छा, आपकी फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट कौन है अपने आप को छोड़ के? अपना मैं खुद फेवरेट नहीं, बहुत सारे हैं, लाइक मुझे मंजिले ड्रामा जब देखा था तो मून मेरा फेवरेट था। अच्छा, और नबीला मुझे पसंद है, मुझे मिसबा का काम मुझे काफ़ी पसंद है। अच्छा, और आई थिंक सब। अच्छा, अगर आप से मैं कहूँ कि जी वो होता ना कि मेरी जगह अबू बकर की जगह कौन ले सकता है जिसमें आपको पोटेंशियल नजर आती है मेकअप आर्टिस्ट? अबू बकर की जगह? ये तो बड़ा मुश्किल बात होती है, हर किसी की अपनी की जगह होती है। नहीं, लेकिन होता ना कि मतलब अगर मैं छोड़ूं तो मतलब तो बहुत सारे लोग, मैं आपको बताऊं एक चीज, मैं हमेशा बोलता हूं कि लोगों में टैलेंट बहुत है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत अच्छा काम आता है, मगर मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया नबीला का तो मैं बन गया। मगर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत अच्छा काम आता होगा मगर बेचारों को चांस नहीं मिलता होगा। लेकिन आपको कोई टैलेंट ऐसा नया नजर आता हो जिससे? मैं समझता हूँ सभी अच्छा काम करें, बस सिंसियर होना जरूरी है काम के साथ अपने और अपने प्रोफेशन। हाँ, आप सिंसियर हो तो काम सबका ही अच्छा है, कोई भी ऐसा बंदा मुझे नहीं दिखा जिसका काम अच्छा ना हो। लेकिन सीरियस होना जरूरी होता है अपने काम के साथ, सच्चाई और एक चीज जो होती है ना काम के लगन, वो होना जरूरी है हमारे यहाँ। अब पता क्या है कि जैसे मैं काम करता था नबीला पे, हमारे चीज़ें कभी कोई चीज़ इधर से उधर नहीं होती थी क्योंकि हम अपनी टूल्स का ख्याल रखते थे। सही। मगर अब नए लोगों में ये चीज़ थोड़ी कम है, सुनने की हिम्मत भी नहीं है कि अगर आप उनको बोलो, लाइक हमारे सीनियर्स अल्ताफ, बुशरा, आशी वगैरह जो लोग होते थे, कभी हमें कुछ भी बोलते थे हम सुन लेते थे, एज अ टीचर हम उनको लेते थे, लेकिन आज कोई भी इस तरह से नहीं करता, सुनते नहीं है। ये मसला है, बाकी जनरेशन जरा थोड़ी सी ये बहुत बड़ा, हाँ बेअदब है, थोड़ी सी बेअदब कह सकते हैं, या मैं बहुत ज्यादा है ना, क्यों है वैसे ये? मैं क्या होता है वैसे? मैं तो सिर्फ खुदा की जात के लिए, लोगों में ये क्या होता है कि मैं तो आप कह ही नहीं सकते भाई, मैं कुछ नहीं, बस तू ही तू है, दैट्स इट। ये आई डोंट नो, लेकिन ये हमारे में बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया आजकल की जनरेशन में, आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा मैं है लोगों में, लाइक आप उसकी वजह से आई थिंक जो हमारा डाउनफॉल थोड़ा सा है लोगों का वो इसी वजह से। मैं ये कहूंगी कि जो समझना नहीं पसंद करते, मैंने जो किया वो बेस्ट है, खत्म बात। तुम कौन हो के ये बोलने वाले? मैं सोचती हूं कि जो किसी में अगर मैं है ना, तो वो ये होता है कि वो मैं आपको लंबे अरसे तक नहीं लेके जाती, वो मैं आप खुद ही खत्म हो जाते। हाँ ना, ये तो है। अब आप देख लेना, एक वक्त एक दफा मुझे जैसे अनवर मकसूद साहब ने एक बात बोली थी कि पहले गाने जो होते थे वो रुमाल की तरह होते थे, जब दिल चाहे धो के दोबारा इस्तेमाल कर लिया, और आजकल आप टिश्यू पेपर की तरह हो गए, ठीक है, खत पता भी नहीं चलता कि ये एक जमाने में हिट था। सही कह रहे हो। तो ये वो वाली चीज होती है कि अब मैंने ना लोगों को इसी तरह से कर दिया कि पता भी नहीं चलता। I am the winner जी, ये देखिए जरा क्यों, आपकी क्या बात है, सीरियसली ये समंदर है उसमें, ये लिलीज मैंने बनाई है, वो नहीं होते वो जो वाइट जैस्मिन के फ्लावर्स होते हैं समंदर के ऊपर ऐसे लहरों में तैर रहा है, ये गमला मेरा, मैचिंग कितनी है देखें आप, पिंक और ब्लू है, ब्लू टिंग टिंग टिंग, कमर्शियल कर रही हूँ आज ही, ले ये गमला अपने स्कूल के लिए, देखें मैंने नाम भी लिख दिया, क्यूट है ना ये, बल्कि आप किसी के चाय पत्ती के प्रोग्राम में गिफ्ट भी कर सकते हैं। नहीं, ये मैं अपने घर में इंशाल्लाह ये सारी आर्ट आपको नजर, मेरा चाय पत्ती कौन बनेगा वाले प्रोग्राम में। वैसे आपको प्रोग्राम कैसा लगा वो? अच्छा है ना, पता नहीं मैंने देखा दोबारा नहीं किया, लाइक थोड़ा सा झूठ है जो एक डांस बस प्रोग्राम बना लिया उन्होंने, काफी एक्स्ट्राज हैं जो उसमें उसके पति बने हुए हैं। सही बात है, लेकिन अच्छा इस इंडस्ट्री में अगर मुझे पर्सनली लगता है, दिखाएं जरा, दिखाएं तो सही, इतना क्यूट है, कोई बात नहीं, ये बस नर्सरी का बच्चे ने बनाया है, देख ले जरा। क्या करूं, एज का डिफरेंस भी तो है ना। आपने नाम भी अपना पीछे रखा, बहुत क्यूट है। अच्छा वो कोई किसी से कोई ऐसी बात, कोई रिग्रेट हो लाइफ में, किसी को सॉरी करना चाहते हो?
अच्छा मजे की बात है कि कभी मैंने इस तरह से नहीं किया सबके साथ अच्छा रहूँ, कभी कोई ऐसी है ही नहीं। लेकिन कभी किसी को कोई तो बंदे को होता है कि यार वो ऐसा कोई शख्स है जिससे मैं सॉरी करना चाहता हूँ या मुझे उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए, ज़्यादती होगी मुझसे। ना दानिस्ता तौर पे हुई हो तो सॉरी कर सकता हूँ किसी से मुझे, लेकिन कभी जानबूझ के कभी किसी का दिल दुखाने की कोशिश नहीं किया। पता है मेरे में एक शुरू से एक बात है कि जैसे लोग होते हैं कि आप जिस फील्ड में हम लोग हैं, लोग दूसरों की कमजोरियों से फ़ायदा उठाते हैं। हाँ। तो मैंने हमेशा ये सोचा कि अगर मैं किसी के जैसे हम लोग मॉडलिंग एजेंसी नबीला पे करते थे, तो मैंने हमेशा ये सोचता था कि अगर मैंने किसी के ख्वाब की कीमत लगाई तो मेरे से ऊपर मेरे ख्वाब की कीमत लगेगी। तो अपने लिए अच्छा चाहिए तो दूसरे के लिए अच्छा सोचो। तो इसलिए मैंने कभी ज़िंदगी में किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, ना ही कोशिश किया कि मैं किसी के साथ बुरा करूँ, हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ। बहुत शुक्रिया अबू बकर, वक्त थोड़ा कम रह गया, आखिरी मैसेज जो भी आप देना चाहें न्यू कमर्स को, अपनी आवाम को, बिकॉज मुझे पता है आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, तो आप दैट्स योर कैमरा। बस अपनी आवाम को मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि प्लीज़ सोना छोड़ दें, लोड शेडिंग आपको इसीलिए होती है कि जाग जाएँ, और अगर आप फिर भी नहीं जाग सकते तो कहते हैं कि फिर पानी सर से गुजर जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कह सकता। वो एक शेर भी आप सुनाते हैं ना जाग के, पता नहीं वो ये था कि मेरे अब्बू अक्सर मुझे इकबाल के शेर सुनाते थे, जो मैं आपको भी कभी सुनाता था कि तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए का, ये तो चलती है तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए। तो हर तकलीफ जो होती है वो इंसान को ऊपर करने के लिए होती है और बुलंद करने और स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है, ये समझदार के लिए होता है, और ना जो ना समझे वो फिर बेचारा पीछे रह जाता है। जो ना समझे वो अनाड़ी है। बहुत शुक्रिया अबू बकर, थैंक यू, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। आई एम श्योर कि सबको आपकी बातों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जनाब जैसे इन्होंने बात किया कि हमारी ज़िंदगी में अगर हमारे साथ अच्छा अच्छा होता है तो हम बड़े खुश होते हैं कि बड़ा अच्छा हो रहा है, जैसे हमारे साथ कुछ हल्की सी बुरी चीज़ होती है हम कहते हैं अल्लाह में ये क्या हुआ ये क्या हुआ। तो द पॉइंट इज़ कि अल्लाह हमेशा हमारी हमेशा बेहतरी चाहता है। तो आप जब कभी डाउन भी हो, कुछ अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ सही नहीं जा रहा, तो इसमें समझिए कि अल्लाह आपका इम्तहान ले रहा है और इसमें कोई बेहतरी है, और सब्र कीजिए। तो जनाब आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन इन करने का, अपना ख्याल रखें, आई विल सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।